दोस्तों पिछले दो दिनों से जो बाड़मेर में बारिश हो रही है उसमें यह क्षेत्र जो घर दिखा पा रहा हूं आपको तस्वीरों में, ये बाड़मेर के बलदेव नगर का क्षेत्र है जहां पर देखिए किस प्रकार से एक मकान में पानी घुस गया है। बात करें इस पूरे क्षेत्र की बलदेव नगर का जो भाग है वहां पर सड़कें और पूरे घरों की बात करें तो पूरी की पूरी पानी से लबालब हो रखी है। यहाँ पर बात करें करीब 2 से 3 फीट है जो पानी घुस गया है। इस घर की बात करें तो यहाँ पर जो अंदर मकान रहवासी थे उनको रात में, इनका बताना कि रात को करीब 2 बजे निकलकर अपने गांव की ओर जाना पड़ा क्योंकि इस घर में पूरा 4 से 5 फीट है वो पानी भर गया। देखिए यहाँ के गलियों के हाल, देखिए किस तरीके से जो पानी है बारिश कम होने के बाद भी, यहाँ के हाल देखिए किस तरीके से जो पानी है करीब 1 से 2 फीट तक पानी है वो गलियों में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका माता जी? सुन्नी। ये घर के जो रहवासी ये कब निकले यहाँ पे? रात को दो बजे पूरा घर में पानी भर गया था। पूरा घर में पानी भर गया, यहाँ पर पूरी गलियों में पानी भरा हुआ है। पूरी गलियों में पानी भरा थे। आया अभी शहर खम पकन बो अभी घर मार कर पहलू घर बो पानी भी भरूड़ो है। हाँ पानी गली में मुकान नीस कर पानी आयो मार कर गली में। इतकी सड़क भी नहीं था बनोड़ी है? सड़क तो बनोड़ी है पर नहीं जड़ बनाउड़ी है, कहीं कोई सड़को है को बात है कहीं नहीं है। के बनाई सड़क सरपंच द्वारा खेरा जरम कुंबा राज को वो कहीं को बनाई हड़को आद तो बजरी मसालो घातिया मो सिमर तो घाती को। हाँ ठीक है, बजरी मसालो जो है हड़को टूट की टूटी रही पूरी टूटी रही है कोई हड़को आप ही। और नाली की बात करें तो नाली बनोड़ी की है? नाली है कोई? नाला हाला कहीं नहीं है अटे बलदेव नगर में। हाँ नाला हाला कहीं नहीं है पूरे क्षेत्र में ला के बलदेव नगर में कोई कोई नहीं। एक बहुत सौ तरह में हड़क माते नालो बनिया दूसरो कितनी नाली है कोई? हाँ बनो जो को पूरे सिटी रो पानी है जो पानी है वो सिटी को इतावे पूरो सिटी को पानी ओटे आवे। अच्छा और भी लोग और गरम गरम पानी भरोड़े की हां और गरम है वो गलियों में गरम पानी है मतलब 50 में से 40 घर के अंदर पानी है सब गलियों में तो पूरा पानी पानी 3 दिन से ऐसे ही पानी चल रहा है। फिर कोई नगर परिषद वगैरह यहाँ पहुँचा नहीं? अभी तक तो कोई आया नहीं है। एक रात को सर आए थे वो बाहर निकले नहीं, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और एक देख के चले गए। अगर जेसीबी से पानी से रात को ही निकाला जाता तो इतना पानी नहीं आता था। फिर और भी जो घरों में लोगों के पानी ऐसे तो कई घर है वो रहना मुश्किल है, पानी पानी में छोड़कर उनको रात को ना निकलना पड़ता है। मकान खाली करके चले गए क्या करे वो पानी के अंदर तो रह नहीं सकते ना। पानी पानी तो ये कहाँ के रहने वाले ऐसी सीतर रावथर दो ही छोड़ रहे इधर रावथर गाय फैमिली परिवार रहता था। हाँ फैमिली परिवार रहता था वो छोड़ के अब चले गए रात 2 बजे कहीं सामान घाते कहीं मोई भीजे। हाँ और किसके घर में पानी भरा हुआ अभी फिलहाल? आगे तो ये पानी है सब देखो पानी है। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हो किस प्रकार से पूरी गली है। यहाँ पर देखिए गली का तो पता ही नहीं आता पता, यहाँ पर पूरा क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। इस घर के हालात देख लिए आपने, करीब 2 बजे इनके घर वालों को छोड़ के अपने गाँव की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ के देखिए न ही अभी तक यहाँ पर नगर परिषद पहुँचा है न ही यहाँ पर कोई सरपंच। आपके सरपंच यहाँ पर पहुँचे? नहीं आए सरपंच वगैरह कुछ नहीं आए। मतलब सर वो बैठे हैं अधिकारी साहब वो कल शाम को आए थे वो गाड़ी के अंदर थे बाहर नहीं निकले थे ठीक है ना, और अंदर आके चले गए थे। अगर जैसे भी रात को पानी निकाला था तो ये अपने आप आगे चले जाता था, निकला नहीं है। सब देख के चले गए कि सुबह निकालेंगे, सुबह तक तो सब डूब जाएंगे कहाँ से निकलेंगे। तो आपके शहर का नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर अलर्ट भी जारी है बारिश को लेकर, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पहुँचा? कोई नहीं आया है, कोई नहीं अभी तक कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अगर गलियों में ये जो खाले होते हैं ना वो सही होता तो पानी निकल जाता, खाले है ही नहीं, सड़कें सही नहीं है पूरी टूटी हुई है तो पानी कहाँ से निकलेगा। अच्छा कभी भी यहाँ पर कोई नाली का निर्माण नहीं किया गया? नहीं, आज से 15 साल पहले एक बार बनी थी वो टूट कर मतलब खराब हो गई, उसको नहीं तो दोबारा सही किया गया और न दूसरी कोई बनी है। पानी यही हर साल रहती है, आज की नहीं है। अच्छा हर साल के हालात है? एक बैठ की नाली है, ज्यादा नाली नहीं है, पानी हर साल 12 माह यही रहता, झगड़ा होता है पड़ोसियों में आपस में कि तेरा पानी इधर आ गया तेरा इधर आ गया, और पानी निकासी के लिए कोई जगह है ही नहीं आगे। हाँ देखिए यहाँ पर निकासी के लिए अभी करीब 15 साल हो गए, इनका कहना है कि पहले एक नाली का निर्माण किया गया था उसके बाद अभी तक कोई नाली का निर्माण नहीं किया गया है। ये देखिए पूरा प्लॉट है वो पानी से पूरा लबालब हो रखा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हालात है पूरे आसपास के, जो प्लॉटों की बात करें या नालियों की बात करें या सड़कों की बात करें पूर्व की हालत है वो यहाँ पर देखिए गंभीर। इनके आपके भी घर में क्या पानी भरा था फिर यहाँ से बंद किया? हाँ बंद किया, हमारा पानी पूरा भर गया है, टाके के अंदर चला गया सब में गंदा पानी। अब रात को हमने निकाला ये मिट्टी दे के, अब फिर भी पानी वापिस आ रहा है इनके यहाँ। अभी और बारिश हुई तो फिर
फिर भर जाएगा पूरा उनका रूम है, ऐसा ही है, ये भी गिर जाएगा अंदर से, जो कच्चे जो मकान है वो तो गिरने का एक ही है। इनके बैठने और प्रशासन को कब से फोन लगा रहे रात को 7 बजे से। अच्छा किसको कॉल लगाया था आपने? SBI साहब को लगाए थे, प्रशासन को उसको पुलिस वालों को लगाए थे, पुलिस वाले आए थे इधर घूम के चले गए वापस, भी नीचे नहीं आया इधर तो। अच्छा अधिकारी आते हैं घूम के चले जाते हैं, और SBI साहब को फोन लगाया 10-15 फोन लगाए, अभी भेजे किसी को नहीं भेजे, किसी को नहीं भेजा, अभी सुबह से ही फोन लगाए 7 बजे से लगा रहे 10 बजे तक 3-4 बार लगा दिए, कोई आया नहीं अभी, कोई नहीं आया। आप तो कई समय से यहाँ रह रहे होगे, यही हालात है कई समय से, ऐसा पहली बार ये पहली पानी मारो नहीं आता पानी, हमें उन्हें काटे उन्हें पानी बुने हैं ये काटे मारे हमें, जिन्हें मारो घर पूरा भरीज, रात में बार 1 बजे तक बैठा है पानी घर भरीज बिटाबर हुआ कहीं बाढ़ पानी, छोटा छोटा बस आया कई जगह हुए पलोट मारती 4 साल हुई हमें भरीज डूका, पहली मार पानी भी जाता हूँ, फिर नरे आकर भी जाता हूँ, मेरे 7 बजे अब रास्ते बंद कर दिए, रास्ते हैंग बंद किया हुआ है, तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, हमें लाल हमारे इधर पानी आ रहा है, इधर तोड़े हम हमारे इधर आ रहा है, सबकी लड़ाई चल रही है फिर, और यहाँ गट रहे उसमें भी पानी जा रहा है, फिर ज्यादा पानी होने की वजह से इनके सारे टांके वगैरह इनके भर रखे हैं, हमारे टांके में पीने का पानी भी गंदा आने लग गया अब तो, पिए क्या पानी इकट्ठा होता रहता है, कोई नहीं आता है, जो यहाँ बड़े लोग वो आते हैं, हम हमारी गलियाँ नहीं तोड़ने देंगे, हमारी गली से पानी नहीं निकलने देंगे, कोई नहीं निकलने देता है, बातें करते हैं आते हैं 3-4 लोग आते हैं लेकिन अपनी गली नहीं जाने देता है, सब अपनी। देखिए यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरी गलियाँ है वह पानी से लबालब हो रखी है, इनका कहना है कई अधिकारियों को कॉल भी किए गए लेकिन अधिकारी आते हैं यहाँ पर गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरते हैं, यहाँ पर आके घूम के वापस चले जाते हैं। देखिए बाड़मेर के बलदेव नगर के हालात, एक तरफ तो बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिला कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर सूचित भी किया गया है, अलर्ट भी दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हालात देखिए आप बाड़मेर के बलदेव नगर के। धन्यवाद।